रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से ही भारत का स्टैंड इस पर न्यूट्रल रहा है, लेकिन इसे लेकर अब जर्मनी इस बात पर चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून में होने वाली G7 समिट में बुलाया जाना चाहिए या नहीं। जर्मनी में 26 से 28 जून तक G7 देशों की मीटिंग होने वाली है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये G7 समिट या उसकी मीटिंग क्या होती है और ये G7 ग्रुप आखिर क्या है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। ह्यूमन राइट्स की रक्षा, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और लगातार विकास इस समूह का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत 25 मार्च 1973 में हुई थी। ग्रुप के गठन से पहले ग्लोबल लेवल पर तेल का संकट पैदा हुआ था। इससे दुनिया में आर्थिक संकट पैदा हो गया था, इसलिए भविष्य में इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए इस संगठन की नींव रखी गई थी। पहले रूस भी इस संगठन का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया शहर पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद रूस को इस समूह से हटा दिया गया था। रूस के हटने से पहले इस ग्रुप में 8 सदस्य देश हुआ करते थे। हालांकि चीन में प्रति व्यक्ति आय कम होने की वजह से उसे इस समूह में शामिल नहीं किया गया। G7 देशों की मीटिंग हर साल होती है। इसकी अध्यक्षता बारी बारी सदस्य देश करते रहते हैं। सम्मेलन में दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी भाग लेने के लिए इनवाइट किया जाता है। इस बार इस मीटिंग में भारत को भी बुलाया जा रहा था, मगर रूस के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाने के कारण भारत को बुलाना है या नहीं इस पर एक बार फिर विचार किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया है कि जर्मनी में होने वाली मीटिंग में सेनेगल, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया को गेस्ट के रूप में बुलाया जा रहा था, लेकिन भारत को इसमें शामिल किया जाए या नहीं इस पर अभी तक मंथन चल रहा है। अब सवाल ये है कि इस लिस्ट पर एक बार फिर विचार क्यों किया जा रहा है। दरअसल गेस्ट लिस्ट यूक्रेन पर हमले से पहले ही तैयार कर ली गई थी, जिसमें भारत भी था, लेकिन जंग छिड़ने के 50 दिन बाद इस लिस्ट पर दोबारा विचार किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने यूएन में रूस के खिलाफ हुई किसी भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। यूएन में रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर करने का प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत समेत 50 देशों ने दूरी बना ली थी। इसके अलावा भारत ने रूस पर बैन भी नहीं लगाए हैं। साथ ही रूस से तेल और हथियार खरीदना भारत ने अभी भी जारी रखा हुआ है। जर्मन सरकार के प्रवक्ता स्टेफन हेबेस्ट्रेट ने कहा कि जल्द ही G7 की गेस्ट लिस्ट फाइनल कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि चांसलर कई बार दोहरा चुके हैं कि जर्मनी के ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय साझेदार रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाएं। भारत ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस पूरे मामले पर जर्मनी की भी जमकर बेइज्जती हो रही है। वो इसलिए क्योंकि रूसी ऊर्जा के आयात पर अपनी निर्भरता के लिए जर्मनी खुद यूक्रेन और पोलैंड की आलोचना को झेल रहा है। जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश तेल और नेचुरल गैस के लिए रूस पर निर्भर हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि जर्मनी समेत लगभग सारे यूरोपीय देश कैसे रूस के तेल और नेचुरल गैस पर निर्भर हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक पर जाके उस वीडियो को जरूर देखें। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बताया था कि भारत रूस से जितना तेल महीने भर में नहीं खरीदता, उससे कहीं ज्यादा तेल यूरोप एक दिन में रूस से खरीद लेता है। अब ऐसे में ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।